इंश्योरेंस सभी के लिए जरूरी होता है, आपके लिए भी जरूरी है। लेकिन क्या आपने सही इंश्योरेंस का चुनाव किया है, या कोई भी इसी तरह का इंश्योरेंस आपके पास चला आ रहा है, बहुत दिनों से चलते आ रहा है, किसी ने बताया, आपने खरीद लिया, उस पर कभी आपने विचार किया कि आपका इंश्योरेंस आखिर इंश्योरेंस है या दूसरा कुछ है? परंपरागत निवेश जो होते हैं वह आज के डेट में यूँ कहें तो सही तो नहीं मैं बोल सकता हूँ, लेकिन अच्छी भी नहीं है। हाँ, कोई भी इंश्योरेंस खराब नहीं होता है, वह अपने नज़रिए से सही होता है। उसको उसी तरह से डिजाइन किया गया है ताकि लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो आप देखिए कि आपका जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो हेल्थ पॉलिसी है, जो टर्म इंश्योरेंस आपने लिया है, क्या वो सही है? क्या आपके लिए वह सही काम कर रहा है? तभी वह इंश्योरेंस आपके लिए सही होगा, अन्यथा बिल्कुल नहीं। इंश्योरेंस का मतलब ही होता है हेल्थ और वेल्थ का प्रोटेक्शन। इसलिए आप आज इस बात पे गौर कीजिए कि जो आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है, क्या आपके हेल्थ और वेल्थ दोनों को प्रोटेक्ट कर रही है? कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया, तो जो इंश्योरेंस है, जो आपका सेविंग है, वो तो यूं ही खत्म हो जाएगा। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, हॉस्पिटल्स के बिल बढ़ रहे हैं, इसलिए आपको सही इंश्योरेंस अवश्य लेना चाहिए। ये फिर वो मत रहे कि कंपनी ने हमको हेल्थ इंश्योरेंस दे दिया है, मैं क्यों लूँ, वो पर्याप्त नहीं होता है। आपको अपना पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस रखना ही चाहिए। तो आइए इस विषय में बात करेंगे हम लोग, किस तरह से आपको इंश्योरेंस करवाना चाहिए। अभी तक आप लोगों ने देखा कि आप लोग जो है बहुत तरह का इंश्योरेंस का नाम सुने होंगे, खास करके जो आप लोगों के पास या बहुत लोगों के पास जो है वह मेनली ये इंश्योरेंस रहता है, इंडोमेंट प्लान, जिसमें कि इंश्योरेंस और सेविंग दोनों मिक्स रहता है। इसमें क्या होता है कि आप कुछ अमाउंट जमा करते हैं पर मंथ या पर ईयर, जो भी मान के चलिए, मान लीजिए 1 लाख रुपया जमा कर रहे हैं 20 सालों के लिए, और आपको कुछ अमाउंट आपको लास्ट में दिया जाता है। अभी तक का यही इंश्योरेंस का फंड रहा है लोगों का, यह परंपरागत इंश्योरेंस है। इसमें बहुत सारे आते हैं, मनी बैक हो गया, यूलिप हो गया, आपका होल लाइफ मतलब 100 साल तक कवर होगा, चाइल्ड प्लान हो गया, रिटायरमेंट प्लान, ये सब जितना है सब जो होता है ये जो है पुराने ख्यालात के इंश्योरेंस कहें तो। ये सभी जो है आपको महंगाई मात देने में सक्षम नहीं होते हैं। भैया मैं सही कह रहा हूँ, महंगाई को भी मात देने में सक्षम नहीं होते हैं। आज का जो आपका पैसा बन के आ रहा है, आपको लगेगा कि हमको आने वाले समय में 10 लाख 20 लाख मिलेंगे 10-15 सालों में, तो मान के चलिए आज जो आपकी स्थिति है उस समय भी वही स्थिति होने वाली है। तो इस बारे में विचार कीजिए, आपको लेना क्या है? अगर सही इंश्योरेंस की बात की जाए तो आपको दो तरह का इंश्योरेंस लेना है, एक टर्म इंश्योरेंस और दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस, बस। इसके अलावा और किसी तरह का लाइफ का इंश्योरेंस जरूरी नहीं होता। लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरे इंश्योरेंस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ लाइफ की बात कर रहा हूँ। लाइफ की अगर बात की जाए तो आपको टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, दो तरह का इंश्योरेंस लेना चाहिए। यहाँ पर देखिए एक कंपेरिजन में दिखाता हूँ कि क्यों टर्म इंश्योरेंस फायदेमंद होता है लोगों के लिए। सबसे बड़ी बात है, टर्म इंश्योरेंस नहीं लेने का एक मुख्य कारण होता है कि इसमें आपको कुछ मिलता नहीं है। दिक्कत वहीं से चालू होती है कि जब आप जिंदा रह गए तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन इसका बेनिफिट देखिए कितना अच्छा है। मान लीजिए कि आप 25 लाख कवरेज वाला एक ट्रेडिशनल प्लान लेते हैं, तो वहां पर करीब करीब आपको 1.45 लाख पर ईयर पेमेंट करना होगा प्रीमियम के नाम से। 1.45 बड़ी राशि होती है। वहीं पर अगर टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो आप मात्र 6,000 रुपया सालाना से, अगर आपकी एज 25 से 30 के बीच में है, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, 6,000 रुपये सालाना आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर 1 करोड़ कर लेते हैं तो ट्रेडिशनल प्लान में हमको मिला नहीं,
एक कूलर का प्रीमियम कितना होता है, इसलिए मैं उसको नेगलेक्ट कर रहा हूँ। अगर टर्म प्लान की बात की जाए तो वहाँ पर आपको 18,000 के आसपास, 18 से 20,000 के आसपास वैरी कर सकता है कंपनी टू कंपनी, मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, 18 से 20,000 आपको पेमेंट करना होगा पर ईयर, ठीक है। अब रही बात रिटर्न की, जहाँ पर मेन मुद्दा आता है, जहाँ पर लोग हिचकिचाते हैं टर्म इंश्योरेंस लेने से और वो ट्रेडिशनल की ओर चले जाते हैं, यहीं पर दिक्कत होती है। आपको जो है ट्रेडिशनल प्लान में मात्र 4 से 6% का इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर बोनस। तो जहां पर हम लोग 25 लाख की बात कर रहे थे, तो 25 लाख की पॉलिसी एक जब बनती है, मान लीजिए आप कोई ट्रेडिशनल प्लान लेते हैं, तो उसमें कितना रिटर्न मिलेगा 20 साल के बाद, 20 साल की मैं बात कर रहा हूं, तो उस पर आपको जो है टोटल आपने भरा 1.45 लाख पर ईयर इंटू 20, टोटल 20 लाख, 29 लाख आपने पेमेंट किया उसको। इस पर 4 से 6% का रिटर्न मिला करके आपको लगभग लगभग 50 से 60 लाख रुपया एट द एंड आपको 20 साल के बाद आपको इतना मिल जाएगा। आप जीवित रहें या ना रहें, दोनों केस में आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आती है कि भाई अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया तो वहां पर जो होता है लगभग लगभग आपको, मान लीजिए 20 साल के लिए लिया तो 18,000, लगभग 3,60,000 के आसपास आपको पेमेंट करना है। बचा हुआ जो राशि है, आप इतना पेमेंट करने के लिए तो इंश्योरेंस में तैयार ही हैं, ट्रेडिशनल में भी इतना तैयार है प्लान का इन्वेस्ट करने के लिए, तो जो शेष बची राशि है लगभग 1,27,000, उसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए ना, बहुत अच्छा अच्छा प्लान है म्यूचुअल फंड में, आप इन्वेस्ट कीजिए वहां पर, नहीं तो कम से कम 12 से 15% रिटर्न आपको 20 सालों में आराम से बना करके देगा म्यूचुअल फंड, आप इन्वेस्ट कीजिए वहां पर। वो लगभग अगर 20 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, अगर कोई म्यूचुअल फंड आपको 15% का रिटर्न निकाल करके दिया, तो लगभग 1.59 करोड़ बनेगा, लगभग 1.5 करोड़ मान के चलिए इसको। तो उतना ही राशि में आपको 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस का कवरेज भी मिल गया। अगर खुदा ने खास्ते आपके साथ कुछ हो गया तो आपको फैमिली को 1 करोड़ रुपया तो दे ही देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आप जिंदा रह गए, ठीक है, मान लीजिए जिंदा रह गए, आपका तो फिर भी यहां पर 1.5 करोड़ बन गया ना भाई, ऊपर से जो 3,60,000 गया वो मान के चलिए आपने दान दे दिया जिंदा रहने के लिए, चलिए जाने दीजिए, मैंने उतना दिन तक जिंदा रहा उसके लिए दान पुण्य के लिए 3,60,000 आप दान कर दीजिए, तो यहाँ पर विन विन स्थिति है आपके लिए। ट्रेडिशनल प्लान की अपेक्षा टर्म प्लान लेना ज्यादा बेटर है। आपको ट्रेडिशनल प्लान जो है आपको सिर्फ इसलिए बेचा जाता है, आप लोगों से इसलिए ट्रेडिशनल प्लान खरीद लेते हैं कि उसके साथ कुछ हमको मिलेगा, इसको दूसरे नजरिए से देखिए आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। और हाँ ध्यान रखिए, खास करके जब इंश्योरेंस आप लेते हैं तो टैक्स सेविंग के पर्पज से मत लीजिए। हाँ एक यह हो सकता है टैक्स सेविंग आपको हो जाएगा, दो राय नहीं है, लेकिन खास करके मार्च और अप्रैल में हड़बड़ा करके किसी भी एजेंट से बिल्कुल भी इंश्योरेंस मत खरीदिए, सोच समझ लीजिए, कंपेरिजन कर लीजिए, कोई बोलो कि अमुक पॉलिसी ही ले लो इसी कंपनी का, बिल्कुल मत लीजिए, आप अपना थोड़ा सा दिमाग चलाइए, आपको अच्छा से अच्छा प्लान निकल करके आएगा, उससे कम में आपको मिलेगा जो आपको सजेस्ट कर रहा है। कंपेरिजन कीजिए, थोड़ा सा दिमाग खर्च कीजिए, एक आध दो दिन का टाइम लीजिए और उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए तो ज़्यादा बेटर है, सही इंश्योरेंस चुनाव कीजिए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ठीक है, आपने टर्म प्लान लेने का फैसला तो कर लिया, तो क्या टर्म प्लान किस तरह से लेना चाहिए भाई? जितना जल्दी हो सके आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नौकरी लगे 20-25 साल के हैं ले लीजिए, वहाँ पर आपका प्रीमियम बहुत ही कम बैठेगा, जितना जल्दी लेंगे आपके लिए बेटर रहेगा। अब कितना कवरेज का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, तो जितना आपका एनुअल इनकम है उसका 20 टाइम्स। लोग 1 करोड़ तो बोलते हैं, 1 करोड़ लेना ही चाहिए कम से कम, मान लीजिए 50-60 साल के बाद 1 करोड़ का वैल्यू तो कुछ नहीं रहेगा, लेकिन कवरेज अच्छा खासा रहता है, आप अधिक का भी देख सकते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं रह सकता है, 2 करोड़ का भी देखेंगे तो मुश्किल से ज्यादा डिफरेंस, डबल नहीं होता है,
डेढ़ गुना के आसपास पड़ेगा। जितना मान लिया 18,000 पड़ रहा है, तो वहाँ पर 6,000 और बढ़ जाएगा, 9,000 और बढ़ जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। आपको क्या करना है, लॉन्ग टर्म के लिए प्रीमियम पेमेंट कीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि 10 साल में ही पूरा पेमेंट कर देते हैं, 10 साल में हम पेमेंट कर दें निश्चित, इससे आपको घाटा है। आप 10 साल पे पेमेंट कीजिएगा, इंश्योरेंस कंपनी तो आपके पैसे ले लेगी पूरी तरह से। यहां पर आपका नुकसान यह हो जाएगा कि आपका एकमुश्त पैसा ज्यादा चला जाएगा। मान लीजिए 18,000 आप प्रीमियम पेमेंट करना चाह रहे थे, वहां पर आपको हो सकता है ये मिला करके 70-75,000 पर ईयर चला जाए, जो कि एक घाटे का सौदा हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। उसके बाद आप जो है इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो जरूर चेक कीजिएगा। जिसका जितना ज्यादा क्लेम सेटलमेंट रेशियो होगा, वह कंपनी उतनी अच्छी होगी, ध्यान दीजिएगा इस बात। और हाँ, एक खास बात और ध्यान रखिए कि बहुत सारे एजेंट आपको ऐसे थमा देंगे, म्यूचुअल फंड थमा देंगे टर्म इंश्योरेंस के साथ, उसके साथ कुछ राइडर थमा देंगे, एक्सीडेंटल राइडर थमा देंगे और कुछ और साथ ही साथ इसके साथ और दूसरे पॉलिसी इंक्लूड कर देंगे, और इसका बेस प्रीमियम बढ़ जाएगा आपका फिर। तो यह गलती कदापि नहीं कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ प्योर टर्म इंश्योरेंस लीजिए, म्यूचुअल फंड अलग से, अदर राइडर्स एक्सीडेंटल कवर लेना है अलग से, दूसरा इंश्योरेंस लेना है अलग से, टर्म इंश्योरेंस के साथ बिल्कुल भी नहीं, प्लेन वैनिला टर्म इंश्योरेंस बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। अब एक छोटी सी बात आती है कि ठीक है भाई, मैंने तो ले लिया टर्म इंश्योरेंस, तो क्या इसमें गारंटी है? बिल्कुल गारंटी है। IRDA के सेक्शन 45 के अंतर्गत यह कहा गया है कि अगर आपने किसी भी पॉलिसी को 3 साल तक कंटिन्यूअस प्रीमियम पेमेंट कर दिया, तो किसी भी स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती है। इस बात को आप ध्यान रखिए, क्लेम रिजेक्ट होने का सवाल ही नहीं, किसी भी कंडीशन में आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा, एक्सक्लूडिंग, यहाँ पर 2-3 क्लॉज आते हैं, जैसे आप वार रिलेटेड क्षेत्र में नहीं गए हों, कुछ ऐसे एक्टिविटी में ना पाए गए हों जो कि आतंकवादियों के साथ रिलेटेड हो, और खास करके ध्यान रखिएगा शराब के केस में कुछ कुछ कंडीशन आते हैं, वो ध्यान जरूर रखने वाली बात होती है, अन्यथा किसी भी कंडीशन में आपकी क्लेम रिजेक्ट नहीं होगी। इस पर बहुत ही सख्त रूल लाया IRDA, मैक्सिमम होता है कि अधिकांशतः केस में क्लेम मिलता है, आपका सेटल होगा ही होगा। ये तो रही टर्म इंश्योरेंस की बात। अब बात आती है हेल्थ इंश्योरेंस की। हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको जो है पर्याप्त मात्रा में कवरेज लेना चाहिए, हालांकि इसका प्रीमियम जो है, हाँ टर्म इंश्योरेंस की बात में एक बता दूं, टर्म इंश्योरेंस का जो प्रीमियम एक बार फिक्स हो जाता है वह कंटिन्यू रहता है। एक्सपेक्ट अलग कहाँ होता है, दिक्कत मतलब ज़्यादा प्रीमियम कब हो जाता है, जब मान लीजिए किसी तरह का टैक्स गवर्नमेंट की तरफ बढ़ जाती है, तो 18% अभी लग रहा है, हो सकता है 20% लग जाए, तो वहाँ पर आपका प्रीमियम बढ़ने का चांस होता है, अन्यथा प्रीमियम नहीं बढ़ता है जब तक कि आपकी पॉलिसी चले। हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में एज स्लैब होता है, 5-5 साल का एज स्लैब वहाँ पर आपको चेंज होते रहता है। तो इस केस में आपको देखना पड़ेगा, आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए अपने लिए और अपने परिवार के लिए। कंपनी के ऊपर डिपेंड मत रहिए। आप जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हैं, बैंकिंग, रेलवे या दूसरे जो भी, आपको इंश्योरेंस मिलता है वहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, बिल्कुल सही है, लेकिन पर्सनल आपको जरूर रखना चाहिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। कहीं भी आप जाइए, कोई भी हॉस्पिटल में, मान लीजिए आपकी कंपनी वहाँ पर नहीं है, आपको तो भाई इलाज करवाने में कंपनी के भरोसे नहीं रहेगा ना, पहले जान तो बचाना है ना। हाँ, और कंपनी वाले इतना आपको कवरेज नहीं देंगे, इतना फैसिलिटी नहीं देंगे आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा सके, वो भी कहीं कहीं क्लॉज रहता है, इसलिए इस बात को ध्यान रखें। और दूसरा, जब आप लेते हैं एक सफिशियंट अमाउंट का लीजिए, 5 लाख 10 लाख से काम नहीं चलता, एक सफिशियंट अमाउंट लीजिए और उसको ऐसा बढ़ाते जाइए कि आने वाले समय में जो है वह धीरे धीरे बढ़ करके एक अच्छा खासा अमाउंट का आपका इंश्योरेंस बन जाए।
ध्यान रखिए, जब आप पॉलिसी लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, तो कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी लीजिए। बहुत सारे ऐसे पॉलिसी डिजाइन किए गए जो कि सस्ता रहता है, आपको उस चक्कर में नहीं पड़ना है, थोड़ा 1-2 हज़ार ज़्यादा दे करके आपको कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी लेना है। कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी में सभी तरह का कवरेज इंक्लूड रहता है, सभी तरह का कवरेज हो जाता है। अगर आपका एज ज़्यादा है तो सभी फैमिली मेंबर के लिए आप अपने लिए अलग ले लीजिए और दूसरे फैमिली मेंबर के लिए अलग ले लीजिए, तो उससे क्या होगा, आपका प्रीमियम कम हो जाएगा। आप कंपेरिजन करके देखिए, जो अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं। एक सबसे ध्यान देने वाली बात यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ कि आप उस तरह का कंपनी का इंश्योरेंस चुने जहां पर कि सम एश्योर्ड जो होता है वह बढ़ जाए। इस बात को गौर कीजिएगा। बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी आपको बोनस के नाम पर देती है। मान लीजिए आपने 10 लाख का इंश्योरेंस लिया तो बोलेगी अगले साल बढ़ करके 15 लाख हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे ही आप उस साल क्लेम कीजिएगा, आपका इंश्योरेंस का कवरेज जो बेस प्रीमियम वो वापस घट करके 10 लाख तक आ जाएगी। जैसे ही क्लेम कीजिएगा, आप चाहे कितना भी क्लेम कर दीजिए, आपका बेस प्रीमियम फिर से वापस 10 लाख आ जाएगा। लेकिन आपको ऐसा प्रीमियम, ऐसा कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस लेना है जिसमें आपके जैसे ही बेस बोनस का जो थी अनक्लेम बोनस जो जुड़े वो बेस कवरेज में आकर के शामिल हो जाए। जैसे मान लीजिए आपने 10 लाख का पॉलिसी लिया और वहां पर अगले साल आपको 5 लाख रुपया का बोनस मिला, तो टोटल हो गया 15 लाख रुपया। ये आपका बेस प्रीमियम हो जाएगा अगले साल के लिए, सॉरी बेस कवरेज हो जाएगा अगले साल के लिए, प्रीमियम इसमें नहीं बढ़ता है। मान लीजिए इसमें अगले साल और 5 लाख और बढ़ गए, आपका बेस कवरेज हो गया 20 लाख, प्रीमियम आपका उतना ही रहेगा। तो इससे बेनिफिट क्या होगा आपका, मान लीजिए शुरू में आप जब लेते हैं 20-25 साल में, आप जब यंग हैं लेते हैं, तो इस तरह से प्रीमियम बढ़ते, बेस कवरेज बढ़ते बढ़ते मान लीजिए 50 लाख या 1 करोड़ तक पहुंच जाता है। अगले मान लीजिए 5 साल या 10 साल क्लेम नहीं किए तो उसे क्या होगा, आपका प्रीमियम तो कम ही रहेगा और कवरेज आपका बढ़ जाएगा, और इसमें नीचे आने का चांस नहीं। एक बार बेस प्रीमियम जो बन गया वो बन गया, लेकिन बहुत सारी कंपनियां नहीं देती है, कुछ कुछ कंपनियां देती है, इसलिए ध्यान रखिए वैसी कंपनियों का ही चुनाव कीजिए जहां पर बेस कवरेज में जो है आपका बोनस जुटे। इससे बेनिफिट होगा, प्रीमियम तो कम देना ही देना है, साथ ही साथ आपका बेस कवरेज ज्यादा होता जाएगा। ध्यान रखिए इस बात को। इसके अलावा बहुत सारे चेकलिस्ट आपको चेक करने हैं। कैशलेस हॉस्पिटल लिस्ट जरूर चेक कर लीजिए कितना है, रीएम्बर्स किस तरह से करना है वो जरूर चेक कर लीजिए, काहे करना आप ही को पड़ेगा, एजेंट सिर्फ नाम के होते हैं। एजेंट का सिर्फ यही काम होता है कि आपको वो जो है फाइल सेटल करने में आपकी मदद करेंगे, फाइल कैसे करना है, क्लेम के लिए कैसे क्या करना है, बाकी क्लेम जो है इंश्योरेंस कंपनियां ही देती है, एजेंट अपने घर से नहीं देगा। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, कोई भी एजेंट अपने घर से पैसा नहीं देता है, कंपनी वाले ही देते हैं। एजेंट का सिर्फ इतना ही काम रहता है, आपको सही रूप से गाइड करेगा कि कैसे क्या करना है, आगे प्रोसीजर क्या करना है, बस। इसलिए जो भी इंश्योरेंस ले रहे हैं आप ध्यान पूर्वक उसको पढ़िए, उसको समझिए, नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछिए, उसके बाद ही इंश्योरेंस का खरीदिए। आगे देखिए एम्बुलेंस चार्ज क्या है वो भी जरूर देख लीजिए, सॉरी एम्बुलेंस कवरेज क्या है, कितना आपने एम्बुलेंस मिल रहा है, आने जाने का मिल रहा है या एक ही तरफ का मिल रहा है, 5 हज़ार 10 हज़ार जो भी है आप समझ लीजिए उसको। ऑर्गन डोनर फैसिलिटी है कि नहीं, ये कंपलसरी आप उसमें देखिए इंश्योरेंस में है कि नहीं। इसके अलावा आयुष ट्रीटमेंट अगर है वो भी चेक कर लीजिए, रूम कैपिंग फैसिलिटी जरूर चेक कीजिए। ध्यान रखिए कि आपको रूम कैपिंग फैसिलिटी अगर पूरी तरह से मतलब छूट है, किसी भी रूम में रह सकते हैं आप, ये वाला प्रीफर कीजिए, थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन अच्छा रहेगा आपके लिए। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन डेज, कोई कंपनी आपको 30 दिन पहले से लेकर के 60 दिन बाद तक देती है, कोई 60 दिन से लेकर के 90 दिन तक देती है, कोई 180 दिन तक देती है, आप इसमें चेक कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि 60 से लेकर के 180 दिन, मतलब प्री 60 दिन तक और पोस्ट 180 दिन तक, इतना अगर जो कवरेज दे रही है उसका चुनाव कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। वेटिंग पीरियड जरूर देखिए। हाँ, मैं वेटिंग पीरियड के बारे में बात करना चाहूँगा, कुछ कुछ कंपनियाँ 1 साल के लिए वेटिंग पीरियड देती है, लेकिन उसमें बहुत सारे क्लॉज रहते हैं, और जो कंपनियां 3 साल के लिए वेटिंग पीरियड रखती है
उसमें क्लॉज लगभग लगभग खत्म हो जाते हैं। 3 साल के बाद आपको हर एक तरह का बेनिफिट मिलेगा, किसी भी तरह का डिजीज होने दीजिए आपको कोई दिक्कत नहीं, कवरेज मिल जाएगा। और खास बात, इम्पोर्टेंट बात, कंपेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, चाहे टर्म इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में। कोई भी कुछ कह दे, आप एक बार जरूर कंपेयर कीजिए कि आपके लिए सही क्या है क्या गलत है, आप एक बार कंपेयर कीजिए, उसके बाद ही लीजिए। पैसा आपका, क्लेम के समय आपको तकलीफ होगा, पास नहीं होगा क्लेम तो एजेंट का कुछ इसमें नहीं चला जाएगा। आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए क्लेम नहीं पास हुआ, आप एजेंट छोड़ करके दूसरे एजेंट के पास जाइएगा, फिर वही गलती होगा भाई। एजेंट इसमें कुछ नहीं करता है, दूसरे एजेंट बदल लीजिए, उससे क्या होगा। कंपनी को देखिए आप, कौन सा इंश्योरेंस चूज कर रहे हैं उसको देखिए आप। हाँ, और एक चीज और ध्यान रखिए कि वैसी कंपनी का चुनाव कीजिए जहां पर पेपरलेस कार्य हो। जहां पर पेपर की बात आती है आपको क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए वैसी कंपनी का चुनाव कीजिए जहां पर पेपरलेस हो। ये सब चीजों का ध्यान रखिए आप, तो आपका क्लेम लगभग रिजेक्ट नहीं होगा और आप एक अच्छे इंश्योरेंस का चुनाव कर पाएंगे। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन अगर आपको लगता है कि और हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो जरूर कमेंट करके बताइए। अगर किसी भी तरह का दिक्कत हो आपको हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करने में, टर्म इंश्योरेंस परचेज करने में, म्यूचुअल फंड परचेज करने में, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जरूर सहायता के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।